हेलो एवरीवन, आई एम शिव सर। आप सभी का मैथ स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। यह लेक्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी, लाइक SSC, CDS, CHSL, CPO एंड बैंक जैसे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी। ओके फ्रेंड्स, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन क्रिएट होता है, फॉर्मेट होता है, वो किन किन बेसिस पे क्रिएट होता है। मैथ्स में 9 सेक्शन होता है, 9 फार्मूला होता है, जिससे जनरली सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन फॉर्मेट होता है। फ्रेंड्स, फर्स्ट a+b² + b² + 2ab, सेकेंड a-b² + b² - 2ab, थर्ड a² - b² मीन्स a-b (a+b), फोर a+b^3, a³ + b³ + 3ab (a+b), फाइव a-b^3, a³ - b³ - 3ab (a-b), सिक्स a³ + b³ (a+b) (a²+b²-ab), सेवन a³ - b³ (a-b), a²+b²+ab, एट a+b+c का होल स्क्वायर a²+b²+c²+2ab+bc+ca, नाइन a³+b³+c³-3abc = a+b+c, a²+b²+c²-ab-bc-ca। ओके फ्रेंड्स, तो जितना भी क्वेश्चन जनरली सिंप्लीफिकेशन का एग्जाम में आता है, सरलीकरण का जो क्वेश्चन आता है एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और नंबर सिस्टम का जितना भी क्वेश्चन फॉर्मेट होता है, वो मोस्टली इन 9 जो फार्मूला होते हैं इसके थ्रू ही फॉर्मेट किया जाता है। फ्रेंड्स, तो इन फार्मूला से कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट होता है, इस पर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन टाइप, फर्स्ट क्वेश्चन टाइप होता है ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन टाइप फर्स्ट ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप, हिंदी में परंपरागत क्वेश्चन बोलते हैं प्रश्न। एंड सेकेंड होता है अप्लाइड क्वेश्चन टाइप टू, अप्लाइड क्वेश्चन टाइप, इसको शॉर्ट में AQ टाइप लिख सकते हैं। एंड थर्ड होता है क्वेश्चन टाइप थ्री, इन प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स। मीन्स संख्या संबंधी प्रश्नों में, समस्या में या प्रश्नों में। ओके फ्रेंड्स, तो थ्री टाइप के क्वेश्चन जनरली इन जो फार्मूला, जो 9 फार्मूला हमने आपके पास प्रेजेंट किए थे, वहाँ से क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है। फर्स्ट जो होता है वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप होता है, इसको हिंदी में परंपरागत क्वेश्चन बोलते हैं। यहाँ से जनरली जो क्वेश्चन फॉर्मेट होता है सिंप्लीफिकेशन का होता है। सिंप्लीफिकेशन, इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सरलीकरण। एंड सेकंड जो क्वेश्चन टाइप है ये अप्लाइड क्वेश्चन टाइप है, मीन्स जो करेंट में जो क्वेश्चन का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग फार्मूलास को फॉर्मेट किया जाता है। यहाँ से
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्वेश्चन बनता है। मीन्स बीजगणितीय प्रश्न बनता है। एंड थर्ड इन प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स, संख्या संबंधी समस्या, यहां से नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बनता है। संख्या से संबंधित, ओके फ्रेंड्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं जितना भी क्वेश्चन जो आता है वो उन 9 फार्मूला से फॉर्मेट होता है और उन फार्मूला से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 3 क्वेश्चंस जनरली हर एग्जाम में आते हैं और ये 9 फार्मूला पे डिपेंडेंट होता है। तो इस पर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फार्मूला फर्स्ट पर। फर्स्ट फार्मूला लेते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसे जानते हैं क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का ओपन करते हैं तो ऑलवेज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इस फार्मूला से किस तरीके से हम क्वेश्चन को फॉर्मेट करते हैं, जो 3 क्वेश्चन टाइप बताए हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखें, जब भी इस फार्मूला को हम स्टडी करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो यहाँ पर स्क्वायर वाला जो टर्म होता है इसको 1 टर्म मानते हैं, फर्स्ट टर्म मानते हैं, और प्रोडक्ट वाला जो टर्म है उसको सेकेंड टर्म मानते हैं। वैसे यहाँ पर 1, 2, 3 टर्म्स है, इसमें स्क्वायर वाला सम जो है इसको फर्स्ट टर्म आपको लेके चलना है और प्रोडक्ट वाला है उसको सेकेंड टर्म। याद रखें फ्रेंड्स, यहाँ से 2ab जो है ये बनाते हैं ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप। परंपरागत क्वेश्चन प्रश्न यहां से बनता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से बनता है आपका अप्लाइड क्वेश्चन टाइप। मीन्स क्वेश्चन टाइप 2, ये जो है क्वेश्चन टाइप फर्स्ट था। एंड इन तीनों को लेके यहां से बनता है आपका इन प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स संख्या संबंधी समस्या में, ओके फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको जो फार्मूला आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हमको इस तरीके से स्टडी करना है। 2ab को लेके चलेंगे तो क्वेश्चन टाइप फर्स्ट क्रिएट हो जाता है, इसको शॉर्ट में TQ टाइप पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप। एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लेके चलते हैं तो अप्लाइड क्वेश्चन टाइप बनता है, इसको शॉर्ट में AQ टाइप बोलते हैं। एंड थर्ड इन प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स, संख्या संबंधी नंबर्स के बेसिस में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें हम तीनों को लेके चलते हैं, ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए इंटू बी, इन तीनों को लेके चलते हैं फ्रेंड्स। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों टाइप पर कैसे क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होती है उस पर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन टाइप फर्स्ट, ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप, TQ टाइप लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो किस तरीके से इसका फॉर्मेटिंग किया जाता है इसको आपको समझना होगा, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। यू नो ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, हमने भी डिस्कस किए थे। इसमें जो लास्ट जो टर्म है 2ab वाला, मीन्स ए इन टू बी प्रोडक्ट वाला जो टर्म है, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन का फॉर्मेट करता है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप बनाता है। तो किस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इस पर हम फोकस करते हैं। यहाँ पर जो सेकेंड टर्म बचा हुआ है इसको हम एक टर्म मान लेते हैं और जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टर्म है इसको सेकेंड टर्म ले लेते हैं, तो इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इंटरचेंज करने के बाद आ जाएगा रिजल्ट ए प्लस बी स्क्वायर, इंटरचेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा
माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। तो आपको सबसे पहले जो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को 2ab इज इक्वल टू के फॉर्म में आप चेंज कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होता है, तीन तरीके से क्वेश्चन बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फैक्टर्स हैं, फैक्टर वन मान सकते हैं टू को एंड ए को, फैक्टर टू ले सकते हैं आप एंड बी को फैक्टर थ्री मान सकते हैं। तो यहाँ पर टू इंटू ए इंटू बी, यहाँ पर टू ए बी का मीनिंग ये हुआ। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई में देख सकते हैं, तो इस कंडीशन में टू को आप फैक्टर वन ले सकते हैं, ए को फैक्टर टू एंड बी को फैक्टर थ्री। ओके फ्रेंड्स, तो इन फैक्टर्स का जब हम इंटरचेंज करते हैं, कभी कभी टू फैक्टर्स को लेकर इंटरचेंज करते हैं, कभी सिंगल फैक्टर को लेकर इंटरचेंज करते हैं, तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन का फॉर्मेट हो जाता है। तो हम इस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो टाइप होता है क्वेश्चन टाइप, जो फर्स्ट इसमें आता है ए आता है, इसमें टू फैक्टर्स का इंटरचेंज करते हैं फॉर एनी टू फैक्टर्स, एनी टू फैक्टर्स। एंड सेकेंड जो बनते हैं क्वेश्चन टाइप बी ले सकते हैं आप इसका, फॉर एनी वन फैक्टर्स। तो इसका हम इंटरचेंज करते हैं तो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्रिएट हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसका इंटरचेंज करके क्वेश्चन का फॉर्मेट क्रिएट होता है। फ्रेंड्स, आपके पास रिजल्ट आया है ए प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2ab। हम डिस्कस कर रहे हैं परंपरागत क्वेश्चन पर, मीन्स ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां से हम फर्स्ट लेते हैं टू फैक्टर्स को लेकर इंटरचेंज करेंगे एंड सेकेंड में सिंगल फैक्टर को लेकर इंटरचेंज करेंगे। तो कैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है हम लेके चलते हैं। फर्स्ट फॉर एनी टू फैक्टर्स, जैसे यहां पर 2ab में से अगर 2b को इंटरचेंज करते हैं लेफ्ट में, तो क्या बचेगा फ्रेंड्स, यहां पर लेफ्ट में अगर इंटरचेंज करते हैं 2ab को, तो रेस्ट टर्म बचेगा a बचेगा, तो a रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट a प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर टू फैक्टर को इंटरचेंज कर रहे हैं, 2ab यहाँ पर थ्री फैक्टर से है, इसमें से एनी टू फैक्टर को हम चेंज कर रहे हैं। 2b को अगर इंटरचेंज करते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पर है तो इंटरचेंज करने पे डिवीजन में आ जाता है, तो 2b इंटरचेंज करेंगे तो रिजल्ट आपके पास a बचेगा। फ्रेंड्स, a यहाँ पर रेस्ट है तो a आपके पास रेस्ट टर्म होगा। सेकेंड, इसी प्रकार से आप इनमें से 2a को इंटरचेंज कर सकते हैं, a प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन 2a। देन यहाँ पर जो रेस्ट टर्म बच रहा है b बच रहा है, तो ये b के इक्वल होगा। एंड थर्ड, a प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और हम ले सकते हैं ab को इंटरचेंज करेंगे तो रेस्ट टर्म जो होगा वो 2 होगा। तो इस तरीका से अगर टू फैक्टर्स का अगर इंटरचेंज करते हैं तो तीन टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्मेट होता है फ्रेंड्स। और जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है ए बी के जगह नंबर्स होता है, उस नंबर को यहाँ पर क्वेश्चन में फॉर्मेटिंग करके दिया जाता है। एंड सेकेंड आता है फॉर एनी वन फैक्टर, एनी वन फैक्टर। यहाँ पर देख सकते हैं फैक्टर वन टू है, फैक्टर टू यहाँ पर ए है एंड फैक्टर थ्री बी है। तो एनी वन फैक्टर को चेंज करेंगे तो रेस्ट टर्म जो बचेगा वो टू फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन का फॉर्मेट आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट, जैसे हम यहाँ पर चेंज करते हैं फैक्टर बी को चेंज करते हैं, तो रिजल्ट हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन, यहाँ पर b को हम चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपके पास 2a होगा। 2a यहाँ पर रेस्ट टर्म है फ्रेंड्स, क्योंकि b के हमने इंटरचेंज कर दिए हैं। एंड सेकेंड, a प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वेयर, अब a को इंटरचेंज करेंगे तो 2b यहाँ पर रेस्ट टर्म होगा,
तो आप ए को आसानी से इंटरचेंज कर सकते हैं, टू भी यहाँ पर रिजल्ट होगा। एंड थर्ड, ए प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, टू को इंटरचेंज करेंगे तो रिजल्ट आपके पास ए इंटू बी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सिंगल टर्म, सिंगल फैक्टर, वन फैक्टर को जब इंटरचेंज करते हैं तो रिजल्ट तीन बनते हैं, मतलब थ्री क्वेश्चन टाइप आपके पास फॉर्मेट होता है। और जब टू फैक्टर का इंटरचेंज करते हैं तो भी क्वेश्चन का टाइप थ्री प्रकार से फॉर्मेट होता है। इसी प्रकार से हम टू ए बी पूरी फैक्टर्स को हम यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हैं। तो थर्ड टाइप आप समझ सकते हैं, ए प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन टू ए बी इंटरचेंज कर रहे हैं, मीन्स टू ए बी से डिवाइड करें बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसका जो फैक्टर है, इसका जो कोफिशियंट है टू ए बी का वन है, तो यहाँ पर रिजल्ट आपका वन के इक्वल होगा फ्रेंड्स, रिजल्ट एक के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आपके पास जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है तीन तरीके से होता है, मीन्स हम कह सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी को जब फॉर्मेटिंग करते हैं तो थ्री टाइप में क्वेश्चन यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट फॉर्मेट आता है एनी टू फैक्टर को इंटरचेंज करते हैं तो रिजल्ट कैसे हम निकालते हैं, एंड सेकेंड में एनी वन फैक्टर को इंटरचेंज करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, एंड थ्री फैक्टर्स को टू ए बी को इंटरचेंज करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। इसके बेसिस में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स आपके पास फार्मूला है ए प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए बी, हमने यहाँ से इंटरचेंज करके रिजल्ट लाए थे ए प्लस बी का होल स्क्वेयर फार्मूला से। तो हम चलते हैं फर्स्ट टू फैक्टर्स के लिए चलते हैं, फॉर टू फैक्टर्स, टू फैक्टर को इंटरचेंज करते हैं तो क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन यू नो फ्रेंड्स, ए प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन, लेट हम यहाँ पर टू बी को इंटरचेंज करते हैं तो रिजल्ट ए के इक्वल होगा, हमने डिस्कस किए हैं। अब इसको प्रैक्टिकली एग्जाम में कैसे अप्लाई किया जाता है इस पर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से ए बी की जगह नंबर्स रख देते हैं, लेट यहाँ पर ए की जगह नंबर वन और बी की जगह नंबर टू सेकेंड नंबर, तब यही क्वेश्चन आपको सरलीकरण मीन्स सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन में क्रिएट हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट सिंप्लीफाई करना है, जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेट आपके पास 99 प्लस 97 का होल स्क्वायर, 99 स्क्वायर प्लस 97 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 97। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप एग्जाम में देखेंगे जनरली पूछा जाता है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखते हैं यहाँ पर 99 प्लस 97 का होल स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, अगर इसको प्लस करके स्क्वायर करते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स, एंड 99 स्क्वायर इसका भी अगर स्क्वायर करते हैं, 99 को टू टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और 97 को टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, काफ़ी टाइम लेगा। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है बिल्कुल कम समय में करने का इसका अप्रोच होगा, और इसका जो अप्रोच है उन 9 फार्मूला में से किसी एक फार्मूला को ये रिप्रेजेंट करता है। तो आपको चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन है कौन सी फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है उन 9 फार्मूलाज में से। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इन तीनों जो टर्म दे रखा है, फर्स्ट सेकेंड एंड नीचे टर्म दे रखा है, इसमें होल पावर क्या है फ्रेंड्स, पूरी का पावर नंबर दे रखा है उसका जो होल पावर क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 होल पावर है। अब देखेंगे जो ब्रैकेट में जो नंबर दे रखा है वो प्लस की माइनस है, यहाँ पर प्लस में दे रखा है, मीन्स ये जो पार्ट है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 99 को, ए 99 को, एंड बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 97 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ भी देख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर की जगह यहाँ पर 99 के स्क्वायर है और बी स्क्वायर की जगह 97 के स्क्वायर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड नीचे देखेंगे कि 2 के साथ क्या आ रहा है, क्योंकि फार्मूला में 2 ए बी होता है, तो 2 के साथ ए वाला पोर्शन आएगा या फिर बी वाला पोर्शन आएगा, आप देख सकते हैं 2 के साथ बी वाला पोर्शन आया है और होना क्या चाहिए, 2 ए बी होना चाहिए, तो 2 के साथ बी यहाँ पर है, मतलब मीन्स ए यहाँ पर रेस्ट टर्म है, तो ए इसका आंसर होगा,
मीन्स यहाँ पर आंसर होगा 99। ओके फ्रेंड्स, तो ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मिसिंग जो टर्म होता है वो आंसर होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा था, आपको जो टर्म दे रखा है उसकी होल पावर को चेक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 99 प्लस 97 का होल स्क्वायर दे रखा है, मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 99 यहाँ पर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स ए स्क्वायर, और 97 बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नीचे चेक करेंगे 2 के साथ नंबर्स क्या है। 2 के साथ 97 है और 97 बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स 2 भी यहाँ पर आ रहा है। तो मिसिंग टर्म क्या है फ्रेंड्स, ए मिसिंग है यहाँ पर, तो ए आंसर होगा। आपको ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करना है, ये क्वेश्चन को आप जज करके ही सॉल्व कर सकते हैं किस फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे आप ओपन करके भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है 99 प्लस 97, तो 99 को हम ओपन करेंगे तो 99 का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, 97 का स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू ए की जगह 99 और b की जगह 97। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, 99 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 97 स्क्वायर, 2 इंटू 97। ओके फ्रेंड्स, 99 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 97 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट मिला 2 इंटू 99 इंटू 97। न्यूमेरेटर में आपको 2 इंटू 99 इंटू 97 एंड डिनोमेटर में 2 इंटू 97, 97 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या है 99 आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मिसिंग टर्मों को चेक करके। इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से दिया जाता है, देने का तरीका कभी कभी यहाँ पर 2 नहीं होता है तो मल्टीप्लाई करके दिया जाता है, मीन्स ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है 99 प्लस 97 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस 97 के स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे 194 कर देगा, 2 इंटू 97 194, तो तब भी रिजल्ट क्या आएगा फ्रेंड्स 99 ही आएगा, क्योंकि ऐसा जब भी आता है तो आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब बचा क्या है 2ab बचा है, तो 2ab में इसको फैक्टर करेंगे तो 194 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो फैक्टर पता चल जाएगा कि 2 के साथ कौन से टर्म आया है, a आया है कि b आया है। तो 194 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो 97 आता है, मीन्स 2 इंटू ये जो है 2 इंटू 97 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 के साथ ए भी आता है तो 2 के साथ यहाँ पर बी आ रहा है, मीन्स मिसिंग टर्म क्या है, जैसे ए 99 और बी 97 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मिसिंग टर्म यहाँ पर ए है। ओके फ्रेंड्स, तो ए यहाँ पर आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जनरली नंबर सिस्टम में मीन्स सिंप्लीफिकेशंस में पैटर्न बनाया जाता है एग्जाम्स में, तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से आप जज करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ए बी की जगह कुछ भी नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर लेंगे ए बी की जगह तो क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाता है। अब हम चलते हैं सिंगल फैक्टर को जब इंटरचेंज करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। फॉर वन फैक्टर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2ab 3 फैक्टर है, फैक्टर 1 2 फैक्टर 2 ए एंड फैक्टर 3 यहाँ पर बी है, इनमें से किसी वन टर्म को इंटरचेंज करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा 2 टर्म्स का फैक्टर आएगा, मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, तो रिजल्ट 2 टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। आप देख सकते हैं ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से एनी वन टर्म के इंटरचेंज करते हैं, मीन्स अगर बी का इंटरचेंज करते हैं तो रेस्ट टर्म क्या बचेगा फ्रेंड्स 2a बचेगा, तो 2a यहाँ पर आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे किया जाता है एग्जाम में उस पर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन सिंप्लीफाई, लेट 99 प्लस 98 होल स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर 98 का स्क्वायर अपॉन बी मीन्स 98। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में होल पावर को देखना है, तो यहाँ पर 99 प्लस 98 का पावर 2 दे रखा है, मीन्स ये जो टर्म है a प्लस बी का होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर 99 a को और 98 b को। ओके फ्रेंड्स, देन a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 99 स्क्वायर जो है a स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है
और 98 बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2ab होता है 2ab, 2 के साथ a क्या है 99 एंड b 98, तो 2 के साथ क्या आना चाहिए फ्रेंड्स 99 या 98 आना चाहिए। अब देख सकते हैं नीचे क्या है ओनली 98 यहाँ पर है, तो यहाँ पर मिसिंग टर्म क्या है 2 इंटू 99 है, तो मिसिंग टर्म 2 इंटू 99 मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आंसर होगा फ्रेंड्स। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको किस फार्मूला से रिलेटेड प्रश्न है इसको आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद देखना है कि क्वेश्चन में मिसिंग टर्म्स क्या है, तो मिसिंग टर्म ही आंसर होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन टाइप टू पर। क्वेश्चन टाइप टू अप्लाइड क्वेश्चन टाइप, अप्लाइड क्वेश्चन टाइप ए क्यू टाइप बोल सकते शॉर्ट में, हमने डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में जो अप्लाइड क्वेश्चन होता है किन टर्म के बेसिस पे क्रिएट होता है। यू नो फ्रेंड्स, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर का जो सम होता है ये अप्लाइड क्वेश्चन को फॉर्मेट करता है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है फार्मूला से और 2ab को यहाँ पर इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करते फ्रेंड्स रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं माइनस हो जाएगा इधर आके, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पैटर्न में, इस जो एक्सप्रेशन में जो यहाँ सबने इंटरचेंज करके लाए हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिजल्ट, इसमें अगर a और b की वैल्यू सेम वेरिएबल पुट करते हैं इनवर्स में, तो ये जो फॉर्म है अप्लाइड क्वेश्चन टाइप में कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से अप्लाइड क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है इस एक्सप्रेशन से। हमारे पास फॉर्म आया है फार्मूला का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको हम चेंज करते हैं अप्लाइड क्वेश्चन टाइप में, तो अप्लाइड क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग कैसे होता है आप समझ जाएंगे। अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली एक या दो क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चन टाइप से होता है, तो किस तरीके से फॉर्मेटिंग होता है अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। अप्लाइड का मतलब होता है फ्रेंड्स ए और बी जो यहाँ पर फैक्टर दे रखा है या नंबर्स दे रखा है इसके जगह सेम वेरिएबल ले लेता है, एक्स 1/x, वाई 1/y, तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है। लेट हम इसमें ए की जगह एक्स पुट करते हैं और बी की जगह 1/x पुट करते हैं, एक्स का इनवर्स है 1/x मीन्स ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू 1/x, तो ये जो फॉर्म है इसका पैटर्न बदल जाएगा, एक ही जगह एक्स रख देंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा एंड बी की जगह 1/x पुट करते हैं तो 1/x का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर एक ही जगह एक्स रखेंगे एक्स, बी की जगह 1/x, 1/x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ भी ए बी का रिजल्ट पुट करते हैं तो 2 × x × 1/x हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है उसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिजल्ट फाइंड आउट करके ए और बी की वैल्यू एक्स 1/x पुट करते हैं, कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हैं, तो ये जो फॉर्म जो क्रिएट होता है ये अप्लाइड क्वेश्चन टाइप का फॉर्म होता है। आगे हम ओपन करते हैं एक्स स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 ही होगा और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, एक्स प्लस 1/x स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो चेंज फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 हो जाती है। यहाँ पर एक्स जो है ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 1/x है ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी प्रकार से ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होता है इन दोनों यहाँ पर जो कंडीशन दे रखा है एक्स प्लस 1/x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू गिवन होता है एग्जाम में और आपको रेस्ट टर्म को फाइंड आउट करना होता है। तो कैसे इस जो एक्सप्रेशन है उससे क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होता है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक फार्मूला क्रिएट किए हैं, एक एक्सप्रेशन लाए हैं
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी का फॉर्म चेंज किए थे, ए की जगह एक्स और बी की जगह वन बाई एक्स, तो इसका एक्सप्रेशन बदल गया था, एक्स स्क्वेयर वन बाई एक्स स्क्वेयर, एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर माइनस टू, यहाँ पर रिजल्ट आया था फ्रेंड्स। तो इसके बेसिस में कैसे क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होता है उस पर हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मोस्टली जब भी ऐसा फॉर्मेट होता है, ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, तो यहाँ पर ये गिवन होता है और इसकी वैल्यू फाइंड करना होता है, टू फाइंड। कभी कभी एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर गिवन होता है, तो आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स का रिजल्ट फाइंड करना होता है। तो इसका कैसे एक्सप्रेशन बनाया जाता है एग्जाम में, उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ़ एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसके जगह अगर नंबर्स रखते हैं, कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, वन टू थ्री फोर, तो इस कंडीशन में एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर का रिजल्ट आपसे पूछा जाता है। इफ़ टू लेट हम ले लेते हैं एन, देन एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, आपको इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। तो मोस्टली ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा किसी भी एग्जाम्स में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कंडक्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका रिजल्ट एन दे रखा है, तो आपको एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर का रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो आपको इसको याद नहीं करना है, आप यहाँ से बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है जो गिवन कंडीशन है और जो फाइंड आउट करना है उसमें एक्स की पावर में डिफरेंस क्या है। देख सकते हैं यहाँ पर एक्स की पावर क्या है फ्रेंड्स, गिवन जो कंडीशन उसमें वन यहाँ पर है, वन वन, और जो फाइंड आउट करना है इसमें एक्स की पावर यहाँ पर टू है, मतलब पावर क्या है, वन से टू हो रहा है। तो वन से टू करने के लिए आपको क्या करना है, बोथ साइड स्क्वेयर कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू एन गिवन है, हमको इसको पावर टू में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पर जो फाइंड आउट करनी है उसमें एक्स की पावर और वन बाई एक्स की पावर टू के फॉर्म में है। तो बाई स्क्वेयरिंग बोथ साइड स्क्वेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर हो जाएगा। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में ओपन कर देंगे, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर मीन्स वन बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टू ए बी होता है, टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स हो जाएगा, ए बी की जगह एक्स वन बाई एक्स पुट कर देंगे और ये एन स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर एन स्क्वायर और टू को इधर इंटरचेंज करेंगे तो प्लस टू जो है माइनस टू हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स प्लस वन बाई एक्स की जगह एन पुट किए हैं तो रिजल्ट आ जाता है एन स्क्वायर माइनस टू। तो जब भी वन पावर से टू पावर में कन्वर्ट करना होता है ऐसे क्वेश्चन को, तो आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग करके जो रिजल्ट राइट में नंबर्स होता है, नंबर का स्क्वायर करके आपको उसमें टू माइनस करना होता है। ये एक शॉर्ट ट्रिक बन जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर रिजल्ट आया आपके पास, यहाँ पर रिजल्ट आया, इसको आप ट्रिक समझ सकते हैं। इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू एन, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस टू हो जाती है। माइनस टू टू ए बी का पार्ट है, हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करके समझे हैं, और इसके बेसिस में आप जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन टू, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू थ्री, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गिवन कंडीशन है इसमें एक्स की पावर वन यहाँ पर है, एक्स प्लस वन बाई एक्स, एंड जो फाइंड आउट करने उसमें एक्स की पावर यहाँ पर टू है। तो आप प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, या फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू एन की रख देंगे, ये जो थ्री है वो एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये शॉर्ट ट्रिक बन जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर
यहाँ पर प्लस है, प्लस है मतलब यहाँ पर माइनस टू होगा। देख सकते हैं जब भी प्लस होता है तो यहाँ पर एन स्क्वायर में माइनस टू होता है, क्यों होता है इस पर हमने डिस्कस किए हैं, वहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एन की जगह क्या है फ्रेंड्स, थ्री है, तो यहाँ पर थ्री स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस टू, नाइन माइनस टू मीन्स सेवन आंसर होगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बेसिक को अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन थ्री, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू थ्री देन एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू द पावर फोर, यहाँ पर पावर फोर है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि गिवन कंडीशन में पावर वन है तो वन से टू में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स आप समझ सकते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स को आप एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स में स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको आप क्या करेंगे एक्स की पावर फोर वन बाई एक्स पावर फोर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर टू कंडीशन में क्वेश्चन क्रिएट होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ से वन पावर को टू में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। आप यहाँ पर समझ सकते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स को चेंज करेंगे एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर में, फिर इसको चेंज करेंगे एक्स टू द पावर फोर वन बाई एक्स टू द पावर फोर में। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही आसानी से इसको यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर n की जगह वैल्यू क्या है, थ्री यहाँ पर है, तो यहाँ पर थ्री रख देंगे तो रिजल्ट इसका आ जाएगा। कंडीशन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n की जगह थ्री है, थ्री स्क्वायर माइनस टू देन नाइन माइनस टू सेवन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर सेवन। ओके फ्रेंड्स, फिर कंडीशन टू मतलब पावर टू को पावर फोर में कन्वर्ट करने हैं, अगेन हम स्क्वेयरिंग करते हैं। कंडीशन टू अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे तो एक्स टू द पावर फोर वन बाई एक्स टू द पावर फोर हो जाएगा, और यहाँ पर एन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेवन, तो यहाँ पर सेवन रख देंगे, सेवन स्क्वायर माइनस टू फोर्टी नाइन माइनस टू मीन्स फोर्टी सेवन, इसका जो आंसर होगा फोर्टी सेवन होगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ऐसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन टाइप थ्री पर। क्वेश्चन टाइप थ्री, इसमें डिस्कस करेंगे इन प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स। मीन्स संख्या संबंधी, संख्या संबंधी समस्या में तो कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है उसको नंबर सिस्टम में अप्लाई करते हैं, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। यू नो फ्रेंड्स, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। जब भी नंबर सिस्टम में इसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर a और b के जगह नंबर्स आ जाता है। लेट a को हम फर्स्ट नंबर लेते हैं, a इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, पहली संख्या, पहली संख्या। एंड बी को हम सेकेंड नंबर लेते हैं, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो ये जो एक्सप्रेशन है, जो फार्मूला है, ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को डिफाइन करता है, या कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंड्स। तो किस तरीके से नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होता है इस पर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने ले के चले हैं ए को फर्स्ट नंबर, ए फर्स्ट नंबर मीन्स पहली संख्या, बी सेकेंड नंबर दूसरी संख्या। तो देन यहाँ पर आएगा ए प्लस बी, यहाँ पर दे रखा है प्लस मतलब योग हो रहा है, सम हो रहा है। तो ए फर्स्ट नंबर है और बी सेकेंड नंबर है, देन ए प्लस बी हो जाएगा सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का योगफल कह सकते हैं हिंदी में। एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर इसको कह सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का सम है और a इंटू बी ये फर्स्ट नंबर है, a और b सेकेंड नंबर है, a फर्स्ट नंबर है
यहाँ पर, और बी सेकेंड नंबर है। तो ए इन टू बी को कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जो आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, किस तरीके से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाते हैं, संख्या संबंधी जो समस्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर ए को फर्स्ट नंबर लेते हैं और बी को सेकंड नंबर मानते हैं, तो ए प्लस बी का मतलब हो जाता है सम ऑफ टू नंबर्स मीन्स दो संख्याओं का योगफल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स मीन्स दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, एंड ए इंटू बी इंटू मीन्स प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या दो संख्याओं का गुणनफल। इनमें से इन तीनों जो कंडीशन दे रखा है, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एनी टू कंडीशंस का नंबर्स दिया रहता है, इसकी वैल्यू गिवन होता है, तो थर्ड का रिजल्ट फाइंड आउट करना होता है फ्रेंड्स। तो बहुत ही आसानी से अगर ये एक्सप्रेशन पता है, प्रेजेंटेशन पता है, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल दो से तीन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग कैसा होता है सर, हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ इन तीनों में से एनी टू कंडीशंस गिवन होते हैं, इफ यहां पर सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ टू नंबर्स बी 10 एंड देयर प्रोडक्ट बी 3, देन फाइंड करने आपको देयर सम। ओके फ्रेंड्स, हिंदी में लिख सकते हैं, यदि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 10 तथा उनका गुणनफल 3 हो, तब संख्याओं का योगफल बताने हैं, संख्याओं का योगफल कितना होगा, योगफल बताइए। ओके फ्रेंड्स, तो जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे फोकस करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यदि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल मीन्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स की वैल्यू दे रखा है 10 एंड देयर प्रोडक्ट मीन्स उनका गुणनफल यहाँ पर 3 दे रखा है, इस कंडीशन में देयर सम मीन्स उन नंबर्स के सम योगफल ज्ञात करने फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स मीन्स लेट टू नंबर्स में से नंबर्स को आप ए और बी मान सकते हैं, तो 10 रिप्रेजेंट कर रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। ओके फ्रेंड्स, एंड देयर प्रोडक्ट मीन्स 3 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए इन टू बी को रिप्रेजेंट कर रहा है 3। तो आपको फाइंड करने है सम ऑफ टू नंबर्स, देयर सम मीन्स ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको चेक करना है कि गिवन कंडीशन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। तो गिवन कंडीशन आपके पास है, इसकी वैल्यू दे रखा है आपके पास 10 और इसकी वैल्यू दे रखा है 3। तो आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ टू नंबर्स, इसका रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। तो आसानी से, बहुत इजी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पर 10 है, 10 वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 2 इंटू 3, 10 प्लस 6 हो जाएगा, 10 प्लस 6 16, तो यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर 16 आ गया, देन a प्लस बी आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट मीन्स 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सम ऑफ टू नंबर्स देयर सम 4 होगा। तो इस तरीके से जब भी ऐसा नंबर सिस्टम को क्वेश्चन आता है, संख्या संबंधी समस्या से संबंधित जो क्वेश्चन आता है, उसको आप पहले चेक करेंगे कि जो क्वेश्चन आता है वो किन फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है फार्मूला 1 मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इन फार्मूला में 3 टर्म्स होता है, ए प्लस बी मीन्स सम ऑफ टू नंबर्स,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स एंड एन टू बी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स की वैल्यू 10 दे रखा है, तो यहाँ पर 10 रख दिए, मीन्स योगफल कितने वर्गों का 10, एंड प्रोडक्ट देयर प्रोडक्ट मीन्स उनका गुणनफल 3 दे रखा है, तो यहाँ पर ए इंटू बी की जगह 3 पुट कर देंगे, तो 10 प्लस 2 इंटू 3 यहाँ पर 6 आ जाएगा, 10 प्लस 6 16 हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रिजल्ट 16 आया है। देन ए प्लस बी का स्क्वायर रूट अगर लेते हैं, मीन्स 16 का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है, तो यहाँ पर ए प्लस बी मीन्स ए फर्स्ट नंबर है और बी सेकेंड नंबर है, प्लस यहाँ पर है मतलब सम ऑफ टू नंबर्स की वैल्यू 4 होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को जज करके सॉल्व कर सकते हैं। हम इसी पे क्वेश्चन 2 लेते हैं। क्वेश्चन 2, इफ सम ऑफ टू नंबर्स बी 4 एंड देयर प्रोडक्ट बी 3, देन फाइंड देयर सम ऑफ स्क्वेयर। मीन्स हिंदी में कह सकते हैं, यहाँ पर सम ऑफ टू नंबर्स मीन्स दो संख्याओं का, यदि दो संख्याओं का योगफल 4 तथा उनका गुणनफल देयर प्रोडक्ट मीन्स उनका गुणनफल 3 हो, तब देयर सम ऑफ स्क्वेयर, तब उनके वर्गों का योगफल क्या है, ये बताने फ्रेंड्स। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको ऐसे क्वेश्चन को 2 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करने आने चाहिए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले चेक करने आपको ये जो क्वेश्चन दे रखा है, अल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन होते हैं, 9 फार्मूला हमने जो वहाँ पर लिखे थे उनमें से किस फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या कंडीशन और फाइंड क्या करना है। तो आप देख सकते हैं, इफ सम ऑफ टू नंबर्स, लेट हम टू नंबर्स में से फर्स्ट नंबर को ए लेते हैं और सेकेंड को बी लेते हैं, आप एक्स वाई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ टू नंबर्स 4 है, मीन्स ए प्लस बी का रिजल्ट क्या है फ्रेंड्स, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। देयर प्रोडक्ट मीन्स उनका गुणनफल, ये जो 3 है ये ए इंटू बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइंड करने है देयर सम ऑफ स्क्वेयर मीन्स उनके वर्गों का योगफल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पूरी मैथमेटिक्स में इन तीनों को लेके ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड एन टू बी, इन तीनों कंडीशंस को लेके एक ही फार्मूला आता है, वो आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस फार्मूला को यहाँ पर यूज कर देंगे तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में विदाउट रिटर्न किए सॉल्व कर सकते फ्रेंड्स। इसे हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी दे रखा है, मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर यूज होगा फ्रेंड्स। यू नो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर ए प्लस बी की जगह क्या करेंगे, 4 रिजल्ट रख देंगे, इसका रिजल्ट हमारे पास 4 दे रखा है। सम ऑफ टू नंबर्स मीन्स उनका योगफल कितना है, 4 दे रखा है। एंड देयर प्रोडक्ट, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दे रखा है, 3 दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ए बी की जगह 3 पुट कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3। आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा 2 इंटू 3 6, 4 के स्क्वायर 16, देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर 16 माइनस 6 10 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसी प्रकार से जितना भी 9 फार्मूला है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से 3 क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होता है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप कैसे क्रिएट होता है, अप्लाइड क्वेश्चन टाइप कैसे क्रिएट होता है, एंड इन प्रॉब्लम ऑफ नंबर संख्या संबंधी जो प्रश्न होता है किस तरीके से फॉर्मेट होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन 9 फार्मूला पर डिस्कस करेंगे अलग अलग लेक्चर्स में। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर कैसे लगा इस पर अपना कमेंट जरूर करें, एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम इसी प्रकार से वैल्यूएबल वीडियोज मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय, टेक केयर।